रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और चली हुई है जी, ग्राहकों के लिए बहुत बढ़िया मौका चला हुआ है। सारे माल सस्ते हैं, सब्जियां सस्ती हो गई है, सब कुछ सस्ता है जिस टाइम। सारी सब्जियां मोस्टली सस्ती ही है। गर्मी की वजह से निशान हो गया भाव जी? हाँ, खेत में ही जी, गर्मी की वजह से। गर्मी तो जी देखिए कितनी खतरनाक पड़ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पारा 40 आज 12 बजे घर से बाहर निकलो तो आप निकल 10 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते। सब्जियां भी ओपन में है जी, खेत में प्रभाव तो पड़ता ही है। धनिया तो अच्छा है जी क्वालिटी, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा मुरझा सी जावे जी। गर्मी में इंसान मुरझा जाए जी, ये तो धनिया तो मुरझाएगा। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप वीडियो की शुरुआत में सबटाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको रेट समझने में बेहतर जानकारी मिलेगी। अगर आप मंडी में नौकरी के इच्छुक हैं तो आपके लिए विशेष जानकारी वीडियो में। सभी किसान व्यापारी और आर्थिक भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है बुधवार और तारीख 29 मई 2024। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 9-10 मिनट की वीडियो में आपको मंडी माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। भाइयों, आज समय के अभाव के कारण एक ही वीडियो में फल सब्जियों की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आलू, प्याज और लहसुन की जानकारी आपके लिए कल लेकर आएंगे। आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले जानेंगे फलों के भाव। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए। अनानास 45 रुपए से 48 रुपए किलो। केला क्रेट 10 से 12 दर्जन 400 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 500 रुपए। सेब में इस क्वालिटी का माल 900 रुपए से 1000 रुपए डब्बा रहा है। एक डब्बे में 10 किलो सेब होते हैं। आम सफेदा 50 रुपए से 55 रुपए छोटा साइज। आम सफेदा बढ़िया साइज 65 रुपए से लेकर टॉप क्वालिटी 75 रुपए तक रहा है। पपीते का बाजार 30 रुपए से 40 रुपए किलो चला। चेरी भाइयों, 1 किलो का डब्बा होता है जो कि 200 रुपए से 300 रुपए क्वालिटी के हिसाब से रहा है। खुरमान 280 रुपए से 300 रुपए डब्बा। एक डब्बे में 4 किलो खुरमान होते हैं। तरबूज बढ़िया माल 6 रुपए से 10 रुपए किलो का भाव रहा है। तरबूज धारी वाला 5 रुपए से लेकर 8 रुपए किलो का बाजार रहा। लीची 20-22 किलो का डब्बा होता है जो कि 2000 से 2200 रुपए रहा है। सब्जियों के बाजार भाव जानने के लिए आज आए हैं आरती भाई श्री सुमित सचदेवा जी के पास। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार रमेश जी, कैसे हो? बढ़िया बाबू जी, आप सुनाओ जी, कैसे हो बाबू जी? बस फर्स्ट क्लास बाबू जी। आज करनाल मंडी में सब्जियों का कैसा माहौल है जी, कैसा बाजार रहा है जी? बढ़िया आवक चली हुई है जी, ग्राहकों के लिए बहुत बढ़िया मौका चला हुआ है। सारे माल सस्ते हैं, सब्जियां सस्ती हो गई है, सब कुछ सस्ता है जिस टाइम। सारी सब्जियां मोस्टली सस्ती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गर्मियों की खासकर तरबूज और खरबूजा भी बहुत सस्ते हो गए हैं। तरबूज और खरबूजा भी जी, सब कुछ सस्ता है जी। अच्छा उठाव भी अच्छा है और ग्राहकों के लिए बड़ा अच्छा मौका है जी। हाँ जी, तरबूज और खरबूजा खाने का समय यही होता है जी, 2-3 महीने। हाँ जी, ये तो है जी। रेट पूरे पड़ते गए हैं, रेट भी पड़ते गए हैं जी। तो खाने वालों के लिए भी बढ़िया है जी, व्यापार वालों के लिए जो माल खरीद के जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है जी। जी जी बाबूजी, बाबूजी आज अपने पास तरबूज भी आ रहा है जी। तरबूज जो छोटा साइज है जी, 5-6 रुपए बिका है। 5-6 रुपए किलो जी? हाँ, साइज छोटा है। साइज छोटा है जी। और बाबूजी खरबूजा भी आया जी अपने पास जी? खरबूजा आया था जी, गोल्डन ग्लोरी। गोल्डन ग्लोरी? हाँ, 2 लाट आए थे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा माल था। रेट एक माल थोड़ा हल्का था, 8 रुपए से 12 रुपए के बीच में चला है। 8 रुपए से 12 रुपए? हाँ, एक 8-9 चला है जी, एक 10-11 बिका है। एक 10-11? हाँ। और बाबू जी, और किसी की किसी को जरूरत हो तो हमारे को कॉल करे। माल की अच्छी आवक चली हुई है गोल्डन ग्लोरी की। जी जी जी, तो वो भी हो जाएगा। और बाबू जी खीरे की भी अच्छी क्वालिटी आई हुई है जी। तो खीरे का रेट भी तेज है जी, 5 रुपए हो गया। तेज का मतलब है जी, पहले से तेज है, वैसे तो डाउन है। पहले से? हाँ, पहले से 3-4 का मतलब 1 रुपए तेज है। 5 रुपए पहले तो जी बिल्कुल 50-60 रुपए पर नहीं बिकने लग गया था जी खीरा। हाँ हाँ, बहुत इतना डाउन भी नहीं होना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी, इतना डाउन भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नुकसान है किसानों का काफी। और बाबू जी शिमला मिर्च का क्या बाजार चला जी? शिमला मिर्च इसमें थोड़ा सा निशान है जी, और तो ये 6-7 रुपए का बाजार है इसका। थोड़ा सा देखो माल में हल्का हल्का निशान है, गर्मी के कारण थोड़ा निशान पड़ा है इसमें। तो वैसे 9-10 का बाजार है, ये 6-7 की डिमांड है जी।
ये गर्मी की वजह से निशान हो गया जी। हाँ खेत में ही जी गर्मी की वजह से, गर्मी तो जी देखिए कितनी खतरनाक पड़ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, पारा 40 आज 12 बजे घर से बाहर निकलो तो आप निकल 10 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते। सब्जियां भी ओपन में है जी, खेत में प्रभाव तो पड़ता ही है। हाँ जी जी, और हरी मिर्च का क्या बजा चल रहा बाबू जी? हरी मिर्च बरीक है जी 30-31 और दूसरी है जी 22-24। ये जो बारीक वाली 30-31 है जी, और जो ये थोड़ी मोटे वाली है हल्की मोटेपन में है ये 22-24। हाँ जी जी, और इसके अलावा बाबू जी अपने पास पेठा भी आया जी? पेठा 5-6-7 जी। हाँ पेठे का बाजार भी ठीक हो गया जी, पहले से सुधार है। एक एक दो दो रुपया तेज है जी, इतना होना ही चाहिए, पहले ज्यादा डाउन था, इतना होना ही चाहिए जी जी जी। और करेला क्या रेट भी बाबू जी? करेला 10-11 रुपए जी। करेले का बाजार भी नीचे ही है जी, तो करेला गर्मी में उठाव चल रहा है बाबू जी? करेले का उठाव तो फिलहाल हर चीज का अच्छा है जी, जो लोकल माल आवक इस टाइम हो रही है जी जी जी, हर चीज का उठाव अच्छा है। तरबूज खरबूजे का बहुत अच्छा है, बाकी हर चीज का उठाव अच्छा है। धनिया भी आया था जी 30-35 रुपए बिका है। धनिया का बाजार भी अच्छा चल गया जी? सुबह और तेज था पर 30-35 मान के चले किसान भाई। धनिया का बाजार 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक मान रहे हैं। धनिया तो अच्छा है जी क्वालिटी, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा मुरझा सी जावे जी। गर्मी में इंसान मुरझा जाए जी, ये तो धनिया तो मुरझाएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज आपने सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम दिया। सुमित सचदेवा, रामा फ्रूट एजेंसी, रामा श्यामा फ्रूट एजेंसी, 94-162-098-99, 94-162-066-99। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। अगर आप मंडी में मुनीम या हेल्पर का काम करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। बकाया सब्जियों के भाव इस प्रकार से रहे हैं। मटर 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो, टमाटर का बाजार 100 रुपए से लेकर 200 रुपए क्रेट रहा है। टमाटर हाइब्रिड 150 रुपए से 200 रुपए क्रेट रहा है, एक क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं। शिमला मिर्च का बाजार ये माल 10 रुपए से 11 रुपए किलो रहा है। फूल गोभी 12 रुपए से लेकर बढ़िया माल 18 रुपए किलो तक बिका है। बंद गोभी का बाजार 8-10 रुपए, कुछ छोटा साइज 6-7 रुपए किलो भी रहा है। पुदीना 20-25 रुपए किलो, नींबू ये माल 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो का भाव रहा है। खीरा पोली 14 रुपए से 16 रुपए किलो का बाजार, और घिया भाइयों 10 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो बढ़िया माल रहा है। ये सुपर माल है घिया में, जो कि 17 से 18 रुपए किलो के भाव से बिका है। घिया बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं बहुत सुपर माल है। तोरी का बाजार 10 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो रहा है। बैंगन का बाजार 10-12 रुपए किलो, इस क्वालिटी का माल 8-10 रुपए किलो रहा है। चूचू बैंगन 13-14 रुपए किलो का भाव चला। भिंडी 15 रुपए से लेकर बढ़िया टॉप माल 18 रुपए किलो का बाजार चला। हल्के माल इससे नीचे भी रहे हैं। टिंडे का बाजार 15-20 रुपए किलो, ककड़ी है 8-12 रुपए किलो, और छल्ली भाइयों 9-11 रुपए किलो का बाजार रहा आज। अरबी का बाजार 28 रुपए से लेकर 32 रुपए किलो तक चला। भीसा 80 रुपए से 85 रुपए किलो थोक भाव में रहा है। मंडी में माल की आवक ठीक रही, ग्राहक की थोड़ी कम नजर आई। तरबूज और खरबूजे की आवक अच्छी चली हुई है, बाजार भी नीचे है। सीजनली सब्जियों का बाजार भी नीचे ही है। टमाटर में आज गिरावट रही। भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियों का बाजार भाव। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।